subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमने बात की मुंबई बोरीवली वार्ड नंबर 18 की। शिवसेना नगर सेविका और प्रभाग समिति अध्यक्ष संध्या विपुल जोशी, जो कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा के तौर पर सामने आई है। नगर सेविका संध्या जोशी ने कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी है, जिसमें बीएमसी ने पूरा साथ दिया। देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। दर्शकों का स्वागत है आपका डिजिटल टीम जय हिंद में। सर हम मौजूद है बोरीवली आर्ट सेंटर में और हमारे साथ है प्रभाग समिति की अध्यक्ष संध्या विपुल जोशी जी, वार्ड क्रमांक RC18 की। आइए हम उनसे बात कर दें। स्वागत है आपका डिजिटल टीम जय हिंद में। आपके वार्ड में अभी जो आप कैंप लगा रहे हैं, कहाँ पर ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं और कहाँ पर केस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मेरे वार्ड में आज तक 14 कैंप मैंने लगाए हुए हैं। बली कैंप खत्म हो गया 14वां, अभी मंडे को वापस 15वां कैंप होगा। मेरे वार्ड में स्लम पॉकेट जरा भी नहीं है, थोड़ा सा ही पॉकेट साईधाम झोपड़पट्टी है, मगर वहां पे केसेस कुछ भी नहीं है। जो केसेस मिल रही है बिल्डिंग एरिया में मिल रही है और माहड़ा के क्लस्टर जो है वहां पे मिल रही है। तो बिल्डिंग एरिया में कभी कैंप लगाए गए नहीं थे, मगर आर सेंट्रल जो अपने वार्ड ऑफिसर है उन्होंने बोला बिल्डिंग में भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, तो वो हिसाब से अपना बिल्डिंग में हर जगह पे कैंप चालू है। और मेरे एरिया में यानी पहले से बहुत ही कम पेशेंट पाए जा रहे हैं। जो संक्रमित ज्यादातर एरिया में पाए जा रहे हैं या सोसाइटी बिल्डिंग वगैरह में? तो लॉकडाउन उठने के बाद बिल्डिंग एरिया में ज्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग एरिया के लोग अभी बिंदास घूमना चालू हो गए हैं, इसके वजह से उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। महानगर पालिका का जो निर्णय है कि वो बिल्डिंग 3 से ज्यादा यहाँ पे दिन में पेशेंट पाए जाते हैं वहाँ पे उन लोग सील करने वाले, वही रूल हम लोग पढ़ते हैं। तीन बार लगातार आप नगर से लगे इसमें आपको मतलब जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत चर्चा है, लोग काम करते हैं उसकी चर्चा करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और लोगों के पूरे टाइम में जो खड़ा रहता है वो नगर से उनको प्यारा ज्यादा लगता है। और अपना लॉकडाउन होने के बाद कैसे कि कमाने का कुछ भी साधन नहीं था, तो हर घर घर में मैंने 10-10 किलो चावल बांटे, उसके बाद सैनिटाइज का बॉटल और स्टैंड वो उस वक्त खर्च से अभी फिलहाल अभी सेंक्शन हो गया फंडिंग से हम लोग कर सकते हैं, मगर मेरा 3 महीना हो गया, मैंने हर सोसाइटी के गेट पे सैनिटाइज का स्टैंड और बॉटल उनको गिफ्ट दिया था। और ऑक्सीजन एल्बम का जो कटिंग था अपना जो मेडिसिन था वो भी घर घर में बांटे हुए मैंने, और वो हिसाब से हम लोग ने काम किए हैं। तो काम करते हैं उसका नाम होता है, उसका नाम होता है। मैडम आप हर साल गणपति का त्यौहार है, आप हर साल लोगों को गांव भेजती है, बसेस का इंतजाम करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कितनी बसेस हो? हमेशा हम लोग 2007 से मैं कॉर्पोरेटर हूँ, 2007 से कम हर साल में 5-5 बसेस छोड़ती हूँ, मगर ये टाइम में लास्ट मोमेंट में महानगर पालिका का सर्कुलर था कि किसी को यहाँ से बॉम्बे से जाने को नहीं मिलेगा। मेरे वार्ड में कोकण वासी ज्यादा होने के कारण मेरे को ये गाड़ी छोड़ना पड़ जाए, मगर छोड़ते समय एन मोमेंट में मेरे को मैसेज आने के बाद मैं 2 ही गाड़ी ये साल में छोड़ सकती, और वो 2 गाड़ी छोड़ने के बाद भी हर सीट पे एक ही पैसेंजर हम लोग बैठा सकते हैं। वो हिसाब से एक गाड़ी में 11 पैसेंजर, एक गाड़ी में 10 पैसेंजर, वो हिसाब से मैंने ये टाइम में गाड़ी छोड़ी। अच्छा मैडम, अभी आपके एरिया में जो अगर संक्रमित पाया जाता है तो इसको आप होम क्वारंटाइन करते हैं या उनको सेंटर में भेजते हैं? मेरे को सबका रोना रोना चालू होता है। पहली चीज बीएमसी वाले या कोई CHV जाते हैं उनको पेशेंट एडमिट होने के बाद जो पेरेंट्स रहते हैं घर पे उनका बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ता है। क्वारंटाइन सेंटर अच्छा है नो डाउट, मगर हर एक जन का लाइफ स्टाइल अलग अलग रहता है। तो मैंने महानगर पालिका से ये परमिशन दिया है वार्ड ऑफिसर से कि सपोज सोसाइटी वाले ही उनका गारंटी लेते हैं कि इनको 14 दिन हम लोग घर से बाहर नहीं निकालने देंगे, हम लोग खुद ही उनको ताला मारेंगे, उनको जो कुछ चीजें चाहिए, भाजी चाहिए, मेडिसिन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कमिटमेंट सोसाइटी वाले करते हैं तो उनको मैं वहां पे ही रखने के लिए महानगर पालिका को बोला हुआ है। और वही हिसाब से मेरा वार्ड का तो चल रहा है। मेरे नगर सेवक वो भाजपा के रहे, शिवसेना के रहे या कांग्रेस के रहे, कांग्रेस तो एक ही है, मगर सब लोग कोऑपरेटिव है। और यहाँ पे जब भी अभी मार्च महीने से तो अपना प्रभाग समिति नहीं हुआ है, मगर मार्च महीने में लास्ट हुआ, 22 से अपना का लॉकडाउन चालू हो गया,
मगर मार्च महीने तक ए टू जेड प्रेजेंटली मेरे प्रभाग में रहते, चेयरमैन एज ए चेयरमैन करके सब लोग कोऑपरेटिव है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं। भी गणपति के लिए यही बोलना चाहूंगी, गणपति के लिए सार्वजनिक गणपति के लिए सर्कुलर जो निकला हुआ है तो मेरे वार्ड में तो सार्वजनिक गणपति सिर्फ डेढ़ दिन का ही रखने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग में वो पालन करने ही वाले। दूसरी चीज अपने लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि घर घर में गणपति रहेगा, गणपति में जाने के टाइम सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है और लोगों का पालन करना जरूरी है। और हर साल 10वीं 12वीं का भी सत्कार, या गणपति के लिए टाइम में भी मैं घर जाती हूँ, तभी मैं स्वीट कभी लेके नहीं जाती हूँ। 2007 से मैं कॉर्पोरेट रही हूँ, मगर ये टाइम में मैंने 10वीं 12वीं का सत्कार भी, अभी आप जब भी आए तभी मेरा बात मेरे शाखा प्रमुख से वही चल रहा था कि कल से मेरा 10वीं 12वीं का कंटिन्यू डोर टू डोर, जब घर घर पे जाके मैं सबका सत्कार करती हूँ, तभी भी मैंने एक सैनिटाइज का स्प्रे बॉटल, जो पॉकेट स्प्रे रहता है वो गिफ्ट, वो और एक पेन, ये गिफ्ट दिया हुआ है। ये टाइम में मैंने फूलों का इस्तेमाल जरा भी नहीं किया है, तो ये गिफ्ट देखे कर मैंने कम से कम 50 स्टूडेंट किए, मगर उन लोग इतने हैप्पी हो गए कि मैडम आपने आज यूजफुल जो चीज है, पेन तो यूजफुल है ही मगर सैनिटाइज का जो बॉटल दिया, वो लोगों के इतना इंप्रेस हो गए कि उन लोग बोले कि मैडम ये वर्क के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने ये यूजफुल चीज बच्चों के लिए दी है। वही चीज मैं गणपति के लिए जब घर घर में जाती हूँ, कम से कम 150 से 200 लोगों का बुलावा मेरे को रहता है, और वहां पे भी मैं 50-100 रुपए का जो हम लोग स्वीट लेके जाते हैं वो कभी मैंने आज तक स्वीट नहीं दिया। 2007 से जो गणपति के लिए यूजफुल चीज है वही गणपति के लिए मैंने गिफ्ट दिए हुए, मगर ये टाइम में सैनिटाइज का स्प्रे बॉटल, 4-4 बॉटल घर घर पे 4 सदस्य पकड़ के वही बॉटल पैकिंग करके मेरा स्टिकर लगा के मैंने दिया हुआ, और स्टिकर पे वही स्लोगन है कि घर पे रहो, सेफ रहो और आपके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग रखो, यही मैसेज मैं लोगों को भी देना चाहूंगी। तो वही गिफ्ट मैं हर घर घर में जब गणपति के लिए जाऊंगी तभी उनके घर पे वही देना। स्वतंत्र दिवस भी अभी जहाँ पे झंडा बंधन होते थे, अभी मेरे कम से कम मेरे वार्ड में 10 से 12 होते, अगर पहली शुरुआत अपने आर्ट सेंटर से होती है, 7:45 बजे मेरे को यहाँ पे बुलाया, 8:15 बजे आर नॉर्थ में बुलाया। मैं इतना लकी हूँ कि मुंबई में एक ही नगर सेवक हूँ कि अपने को दो अपने को वार्ड मिले, यानी आर सेंट्रल आर नॉर्थ दोनों जगह पे एक ही प्रभाग समिति चलती है और वो दोनों का चेयरमैन भी मैं हूँ। 7:45 बजे अपने आर सेंट्रल और आर नॉर्थ में 7:15 बजे मेरे को बुलाएं, और वहां पे जाके मैं वही बोलूंगी कि यहाँ पे लोगों का तो क्राउड नहीं रहेगा क्योंकि किसी को ज्यादा बुलाया नहीं करते, तो वही वहां पे भी मैसेज रहेगा कि रात्रवा अपना दिन है, तो वो हिसाब से सब लोग सेफ रहो और घर पे रहो, क्योंकि ये टाइम में दही हंडी भी हुआ, वो भी पूरा सुख सुखाट था, यानी मुंबई में दही काला हुए वो भी पता नहीं चला, मगर दही हंडी के दिन भी हम लोगों ने सिर्फ जगह वाले को नारियल देके वो शुभारंभ किया, क्योंकि वो कृष्ण जन्म रहता है तो उसमें नारियल देना जरूरी है, तो वो नारियल फोड़ के हम लोग ने उनको वही प्रे किया कि सब सेफ रहे, जो मुंबई में जो अपने कोरोना का महाभयंकर जो अपने पे स्थिति आई है वो स्थिति को मात करने की ताकत दे, जो श्री कृष्ण को भी वही प्रे किया और गणपति बाप्पा को वही प्रे किया। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित से बात करने के लिए, तो ये हमारे साथ प्रभाग समिति के अध्यक्ष और संध्या विपुल जोशी जी आरसी वार्ड क्रमांक 18 की, उन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया जगह जगह, उन्होंने खुद मतलब सैनिटाइजिंग बांटा। मैं कैमरामैन जैदी के साथ न्यूज 13 जय हिंद मुंबई।